पिज़्ज़ा। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाहिल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि श्रह लि सदरी व यस्सिर लि अमरी वहलुल उक्दतम मिन लिसानी यफ़क़हु कौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। आज अल्लाह के फजल से हम आओ कुरान समझे आसान तरीके से का सबक साथ शुरू करेंगे। पहले इसका हम ए पार्ट पढ़ेंगे। इस सबक में हमने आज क्या पढ़ना है, रकू और सजदा में पढ़ने वाली दुआएं ग्रामर में इला मा इंदा और नकाते तालीम में शौक। तो रकू और सजदे की दुआ ग्रामर और निकाते तालीम। तो इस सबक में हम 15 नए अल्फाज सीखेंगे जो कुरान में 1390 बार आए हैं। सबक नंबर 7 के इख्तिताम तक आप 80 अल्फाज सीखेंगे जो कुरान में 26082 बार आए हैं। और जैसा कि हमें मालूम है कि कुरान में तकरीबन 4500 अल्फाज हैं जो तकरीबन 78000 बार आए हैं। ये होमवर्क आपको पता है, हम रोज़ इसको रिवाइज़ करते हैं। और मुबारक हो, आप मुंतखब लोग हैं जिनको अल्लाह ने मुंतखब किया है कुरान सीखने के लिए। रकू के अस्कार। रकू में हम जो जिक्र करते हैं आज उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सुबहाना रब्बियल अजीम, सुबहाना पाक है यानी हर ऐब और बुराई से पाक। और ये कुरान में 41 दफ़ा आया है ये लफ्ज़। सुबहान अल्लाह, अल्लाह हर किस्म की कमी और नुक्स से पाक है। हम ये तस्बीह भी करते हैं ना, सुबहान अल्लाह यानी अल्लाह पाक है, अल्लाह हर किस्म की कमी बुराई नुक्स से पाक है। रब्बी, मेरा रब, ठीक है ना, ये जो इसमें या है ये मेरा वाली है, जो हमने ज़माइर पढ़े थे ना, हु हुम का कुम या ना, तो ये या वाला या जो है उन ज़माइर में से है जिसका मतलब है मेरा रब भी। मेरा रब, मेरा रब कौन है, तो मेरी परवरिश करने वाला है, मेरे जिस्म के एक एक ज़र्रे को पालने वाला है। ये साइड पे टेबल भी दिया हुआ है, हु हुम का या कुम का, रब्बुहु रब्बुहुम रब्बुका रब्बी रब्बुकुम रब्बुना। अल अजीम, अजमत वाला, अजमत वाला कौन है, जो बड़ाई में भी बड़ा है और ताकत में भी सबसे बड़ा है, वो अजीम है। और अल अजीम जो है वो 107 दफ़ा कुरान में आया है। अजम अरबी में हड्डी को भी कहते हैं, यानी जैसे हड्डी मजबूत होती है ना, सख्त होती है हड्डी, मजबूत और सख्त होती है, इसी तरह अल अजीम का मतलब है कि बहुत बड़ा, बहुत ताकत वाला। तो मुताले के बाद हमने दुआ करनी है तसव्वुर और एहसास के साथ, अपना एहतिसाब करना है और फिर अपना प्लान बनाना है और फिर उसके आगे तबलीग करनी है। इस जिक्र में 4 बातें हैं, ठीक है, तसव्वुर एहसास के साथ आपने इसको पढ़ना है। और वो 4 बातें क्या हैं, सुबहाना यानी मेरा रब हर ऐब से पाक है, वो जालिम नहीं है, ना इंसाफी करने वाला नहीं है, बेमकसद चीज़ों को पैदा करने वाला नहीं है, इसमें किसी किस्म की कोई कमज़ोरी नहीं है, इसको किसी का खौफ नहीं है,
इसका हर हुक्म बेहतरीन हुक्म है। मेरी ज़िंदगी में जो भी आजमाइश आती है मुझे उस पर कोई शिकायत नहीं। ठीक है, इस जिक्र में चार बातें हमने तसव्वुर और एहसास के साथ सोचनी है। पाक, पाक किसको कहेंगे हम? अल्लाह की अगर बात करेंगे तो पाक हम कहेंगे कि अल्लाह हर ऐब से पाक है। हे वो रब है यानी बाबा पालने वाला है। दूसरी बात क्या है? वो रब है यानी पालने वाला है। पालने वाला कौन होता है? जो हर चीज का ख्याल रखता है। हमारे जिस्म में करोड़ों खुलिए हैं, ठीक है ना, उन खुलियों को अल्लाह कंट्रोल करता है। पल पल हमारी परवरिश करता है, हमारे खाने का निज़ाम, खून का निज़ाम, जितने भी हमारे जिस्म के निज़ाम हैं, जिसने भी सिस्टम है, उनको अल्लाह ताला चला रहा है। और रिस्क देने वाला भी वो ही रब है। तीसरी क्या बात हुई? वो मेरा रब है। इसमें अपनायत शोर है, जैसे हम कह देते हैं ना किताबी, कि ये मेरी किताब है, तो इससे किताब से लगाव महसूस होता है कि मेरी किताब है। हम लाहौर, लाहौर के रहने वालों को हम कह देते हैं लाहौरी, ठीक है ना, कि वो लाहौर का रहने वाला है, उसका लगाव लाहौर से है। तो इसी तरह रब्बी का एक मायना क्या है? अपने रब से लगाओ। जब हम कहते हैं ना रब्बी, तो हम ये तसव्वुर हमारे दिल में आता है, हमें एहसास होता है कि वो मेरा रब है। हम अपनाइत का इजहार कर रहे हैं अपने रब से। अल अजीम, वो अजीम है, ऐसी बड़ाई जिसको ना कोई झुका सके और ना कोई दबाव डाल सके। यानी वो ऐसा अजीम, ऐसा अजमत वाला है कि जिसको ना कोई झुका सकता है ना कोई दबाव डाल सकता है। अल्लिम, इसको सिखाइए। तसव्वुर और एहसास के साथ इसको पढ़िए। अल्लिम, सिखाइए इसको, आगे फिर आपने सिखाना है। रकू से उठते हुए क्या पढ़ते हैं? समी अल्लाहु लिमन हामिदाहु। समी अल्लाह, ये दो अल्लाह जो है इसमें इस्म है और सामिया फेल है। अभी हमने फेल नहीं पढ़े, अगले लेसन्स में इंशाल्लाह हम फेल के बारे में पढ़ेंगे। सामिया फेल है, सामिया सुन ली, अल्लाहु अल्लाह ने, ली मन, अभी दोनों हरूफ हैं जो जुड़े हुए हैं, ली की या लिए और मन जिसने। सुन ली अल्लाह ने उसकी जिसने हामिदा हु। अब ये हामिदा भी जो है ये फेल है, ठीक है ना, तारीफ की, उसने तारीफ की, ये फेल माजी है। हामिदा, उसने तारीफ की। हु, उसकी, किसकी? अल्लाह की, कि अल्लाह ने उसकी सुन ली जिसने तारीफ की, उसकी जिसने तारीफ की, अल्लाह की। ये साथ में टेबल भी हमें रिवीजन के लिए साथ आ रहा है, ये जमायर का टेबल है, हु, हम, का, या, कुम, ना, ठीक है ना। हामिदा हूँ, तारीफ की उसकी। हामिदा हम से है ना, तारीफ, हम का मतलब है तारीफ। तो इसके मुताले के बाद हमने दुआ करनी है तसव्वुर और एहसास के साथ, अपना एहतसाब करना है, फिर अपना प्लान बनाना है और उसको आगे सिखाना है, इसकी तबलीग करनी है। हम्द, अल्लाह सबकी सुनता है, मगर यहाँ हम्द करने वालों के लिए खास जिक्र है। अल्लाह सुनता तो सबकी है ना, लेकिन यहाँ पे सुन ली अल्लाह ने उसकी जिसने तारीफ की उसकी। तो अल्लाह की तारीफ करने वालों के लिए यहाँ पे खास जिक्र किया जा रहा है, इसकी पूरे शौक से हम्द करनी चाहिए। तो इसे हमें क्या मिलता है सबक, के हमें पूरे शौक से, दिल से, खलूस से अल्लाह की हम्द करनी चाहिए, उसकी तारीफ करनी चाहिए। रब्बना वलकल हम्द, ऐ हमारे रब, और तेरे ही लिए है तमाम तारीफें। अल्लाह ताला हमारी हम्द करने का मोहताज नहीं है, इसका फ़ायदा हमें ही मिलेगा। हम अल्लाह की हम्द नहीं करेंगे, अल्लाह को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर हम अल्लाह की तारीफ करेंगे पूरे दिल से, खलूस से, चाहत से, तो उसका फ़ायदा हमें होगा। अलिम, इसको सिखाइए। समी अल्लाहु लिमन हामिदाहु,
सुन ली अल्लाह ने उसकी जिसने तारीफ की उसकी। रब बना, अब रब्बा जो है ना इसमें वो है इस्म, और ना ये जमाइर में से है, यानी हम के लिए इस्तेमाल होता ही है। रब बना ए हमारे रब, वाला का और तेरे ही लिए है, ठीक है ना। ला लिए का तेरा, तेरे ही लिए है। अलहम्द हर किस्म की तारीफ, हम्द का मतलब होता है तारीफ। जब हमने शुरू में पढ़ा था ये सूरह फातिहा में भी, कि जब अल लग जाता है तो क्या हम उसको कहेंगे, फिर हर किस्म की तारीफ। जैसे पढ़ा था अलहम्द हर किस्म की तारीफ, अल आलमीन हर तरह के जहान, ठीक है ना। हमारी परवरिश करने वाला रब कौन है, हमारे जिस्मों के एक एक जर्रे को पालने वाला रब है। वा, ला और का, ये तीनों जो हैं हरूफ हैं, जमाइर हैं। का जो है ये जमाइर है, ये टेबल में से लाहू लाहुम लाका लिया लकुम लना। वा और ला ये हर्फ हैं जो इस्मों और फेलों को मिलाते हैं। वा और ला लिए का तेरे, और तेरे ही लिए यानी तू अकेला ही इसका मुस्तहिक है। जो हम तारीफ कर रहे हैं ना अल्लाह की, वो सिर्फ अल्लाह ही उसका अकेला मुस्तहिक है। इसका खुलासा ये है। अलहम्द तमाम तारीफें, तमाम शुक्र। तो मुताले के बाद दुआ कीजिए, तसव्वुर और एहसास के साथ एहतसाब कीजिए अपना, और उसके मुताबिक फिर प्लान करिए, और फिर इसको आगे सिखाइए, इसकी तबलीग करें। रब्बाना कहते हुए दिल से खुद ब खुद अल्लाह की तारीफ और शुक्र के अल्फाज निकलें। पूरे दिल और जज्बात से अल्लाह की तारीफ और शुक्र करें। जब आप ये पढ़ें तो पूरे खलूस से, नियत से, दिल की गहराइयों से पढ़ें कि अल्लाह की तारीफ और शुक्र के अल्फाज हमारे दिल से अदा हों। पूरे दिल और पूरे जज्बात से अल्लाह की तारीफ और शुक्र करना है। अलिम सिखाइए, इसको पढ़ें और इसको फिर आप आगे सिखाएं। रुकू का एक और जिक्र भी है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रुकू से सर उठाते तो कहते, समी अल्लाहु लिमन हामिदहु, रब्बना वलकल हम, मिल असमावाती व मिल अल अर्जी व मिल अ मा बैनाहुमा व मिल अ मा शिता मिन शय इन बाद। मिल आ का क्या मतलब है, भर कर। जैसे मिल आ बतनिन पेट भर कर, मिल आ जैबी जेब भर कर, मिल असमाई आसमान भर कर, मिल आ कूबिन, कूब कहते हैं कप को, मिल आ कूबिन कप भर कर, यानी भर कर, इसका मतलब है मिला। तो मिल असमावाती, समा आसमान है इस वाहिद है, और समावाती इसकी जमा है, और ये कुरान में 310 दफा आया है। तो आसमानों के भरने के बराबर, मिल असमावाती भरने के बराबर आसमानों के। वह मिल आ और भरने के बराबर अल अर्जी जमीन, अर्ज कहते हैं जमीन को, और ये 461 दफा कुरान में आया है लफ्ज। वमिल अल अर्जी और जमीन के भरने के बराबर, वमिल आ और भर कर जो माँ जो बैना हुमा, बैना का मतलब दरमियान, और हुमा उन दोनों के, ठीक है। ये हमने अभी ऐसे पढ़े ना, जो टेबल पढ़ा था हु हम। अभी ये हम मजीद जब आगे एडवांस उसमें जाएंगे ना लेवल में, तो फिर पढ़ेंगे कि अरबी में जो है ना वाहिद जमा के अलावा एक और सीगा भी होता है जिसको कहते हैं तस्निया। इंग्लिश और उर्दू में सिर्फ वाहिद जमा सिंगुलर प्लूरल होता है, लेकिन अरबी में वाहिद तस्निया और जमा होता है। वाहिद एक के लिए, तस्निया दो के लिए, और जमा दो से ज्यादा के लिए। तो ये जो हुमा है ना, ये दो के लिए आ रहा है। दो कौन है,
आसमान और जमीन, ठीक है ना, ये अभी हमने सिर्फ हो और हुम पढ़ा है, तस्निया इसका हमने नहीं पढ़ा, हु हुमा हुम होता है ये। जब हम आगे मजीद एडवांस में पढ़ेंगे फिर हम इसके बारे में पढ़ेंगे, तो बस अभी इतना याद रखें कि बैना दरमियान और हुमा उन दोनों के। और ये बैना जो लफ्ज है ये 266 दफा कुरान में आया है, वमिल आ और भर कर माँ वो तमाम जो शिकता तू चाहे, जैसे हम कहते हैं शाह ये शाह इन शाह अल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा, शाह इन अगर शाह चाहा, शाह अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह ने, तो ये उससे है शिकता तू चाहे, ठीक है ना, और भर कर वो तमाम चीजें जो तू चाहे। और शीता जो है कुरान में 3 दफा आया है, मिन शई शई एक चीज अशिया चीजें, और ये 283 दफा कुरान में आया है, मिन शई किसी चीज में से, और भर कर वो तमाम चीजें जो तू चाहे किसी चीज में से, बादू इसके बाद, ये बादू जो है वो 198 दफा कुरान में आया है, ठीक है। तो ये जो बताई है कि रकू का एक और जिक्र भी है जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे, तो हम तो ज्यादातर यही पढ़ते हैं ना, समीउल्लाहु कुलिमन हमीदा रब्बना वलकल हम्द, लेकिन हजरत मोहम्मद जो है ये एडिशनल जिक्र भी करते थे। जी, जदीद तहकीकात के मुताबिक कामयाब और खुशगवार जिंदगी गुजारने का राज क्या है? शुक्रगुजारी, ग्रेटिट्यूड। एक प्रोफेसर का मशवरा है कि जो कामयाबी सिखाता है, सक्सेस ट्रेनर, रात को सोते हुए अपने पूरे जिस्म को शुक्र में डुबो दो, जैसे कि एक एक जर्रा इस शुक्र में तैर रहा हो, ठीक है। ये एक बाकायदा रिसर्च है कि कामयाब और खुशगवार जिंदगी का राज है शुक्रगुजारी, यानी हर हाल में शुक्रगुजारी करनी है। ये नहीं कि अच्छे हालात हैं तो हम शुक्र अदा कर रहे हैं, कैसे भी हालात हों अल्लाह का शुक्रगुजार रहना है। और रात को सोते हुए ये रूटीन बनानी है कि अपने पूरे जिस्म को आपने इस तरह से आपने शुक्र अल्लाह का करना है, हर बात के लिए, हर काम के लिए, चाहे हालात अच्छे हैं चाहे हालात बुरे हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा करना है इस तरह जैसे आप अपने पूरे जिस्म को शुक्र में डुबो दें, आपके जिस्म का एक एक जरा शुक्र में तैर रहा हो, यानी अल्लाह का शुक्र अदा करने की जो शिद्दत है वो बताई है। नबी करीम की दुआ, सारा आसमान सारी जमीन और जो इनके दरमियान सबको शुक्र से भर दो, ठीक है। जो दुआ हमने पीछे पढ़ी ये थी वो दुआ। नबी की ज़िंदगी से सबक हमने अगर देखे तो हमें क्या सबक मिलेगा कि आराम की ज़िंदगी में तो शुक्र करना आसान है, हम एक आरामदेह ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हम एक आरामदेह ज़िंदगी गुजार रहे हैं और उसमें तो शुक्र करना बहुत आसान है। लेकिन ज़रा नबी की ज़िंदगी का जायज़ा लें, वो सारी ज़िंदगी आजमाए गए, बेहद सताए गए, यके बाद दिगरे बेपनाह मुश्किलात का सामना करना पड़ा, 2 वक्त का खाना भी कभी घर में मुयस्सर ना हुआ, लेकिन इसके बावजूद नबी अल्लाह के शुक्र और तारीफ को तमाम कायनात को भर देना चाहते थे। अल्लाह के नबी का शुक्र और तारीफ का लेवल देखें कि उनकी ज़िंदगी पे अगर हम नज़र दौड़ाएं तो कैसी थी, लेकिन फिर भी वो अल्लाह का तमाम कायनात को अल्लाह के शुक्र और तारीफ से भर देना चाहते थे। तो ये लेवल होना चाहिए हमारे शुक्र अदा करने का। दुआ का आखिरी जुमला क्या है? वह मिल आ माशीता मिन शई इम बादू, यानी जमीन और आसमान के बाद जो तू चाहे वो भी भर दे। दुआ क्या थी कि जमीन और आसमान को भर के
ठीक है, उसके बाद जो भी चाहे जो भी, और उसके बाद जो भी चीज़ तू चाहे वो भी भर दे। ये शुक्र के जज्बात की अजीम तरीन सतह है। गोया आप कह रहे हैं कि ऐ अल्लाह, अगर जमीनों आसमानों से बढ़कर मुझे कोई और चीज़ मालूम होती जो आपको पसंद हो, तो मैं इसके भरने के बराबर आपका शुक्र अदा करता। आपने जो शुक्र के जज्बात को पैदा करने की इस जिक्र में तालीम दी है, इसकी धूल तक भी आज के कामयाबी के गुरु पहुंच नहीं सकते। यानी इस दुआ से हमें शुक्र के जज्बात की क्या तालीम मिल रही है कि जमीनों आसमान से बढ़कर भी कोई चीज़ होती तो उसके भरने के बराबर भी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और हम क्या करते हैं, ज़रा सी कोई तकलीफ तंगी आती है तो हमारे गिले शिकवे शुरू हो जाते हैं। तो इससे हमें क्या सबक भी मिल रहा है, क्या आदत भी हमें अपनी अपनानी चाहिए कि हालात जैसे भी हों, अच्छे बुरे, तंगी हो, कुछ भी हो, तो हर हालत में अल्लाह का शुक्र अदा करना है और कोशिश करनी है कि जो शुक्र करने का, जो तारीफ करने का लेवल हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था, तो हम उसको फॉलो करें। सजदे की तस्बीह क्या है? सुबहाना रब्बियल आला। हम इसको सीख चुके हैं, सुबहाना रब्बी को, तो रकू में हमने सीखा ना, सुभान रब्बी अल अजीम, पाक है मेरा रब। अल आला, आला क्या है? सबसे बुलंद। और ये कुरान में 7 दफा आया है आला, यानी सबसे बुलंद जिसके बाद कोई और बुलंद ना हो। अल अजीम भी था ना कि सबसे अजीम, कि उसके बाद कोई और अजीम ना हो। इसी तरह अल आला जो सबसे बुलंद हो, इसके बाद और कुछ भी बुलंद ना हो। जैसे हम पढ़ते हैं ना, कबीर बड़ा, अकबर ज्यादा बड़ा, अल अकबर सबसे बड़ा, सगीर छोटा, असगर ज्यादा छोटा, अल असगर सबसे छोटा, अली ऊंचा, आला ज्यादा ऊंचा, और अल आला सबसे ऊंचा। यानी एक हद है, उसके बाद कोई और ऊंचा हो ही नहीं सकता। तो मुताले के बाद दुआ कीजिए, तसव्वुर और एहसास के साथ अपना एहतसाब कीजिए, प्लान बनाइए और इसकी तबलीग करें। जी, तो सजदे की हालत में हम ये पढ़ते हैं सुभान रब्बी अल आला। मुकम्मल स्पुर्दगी की है, इसमें भी 4 बातें हैं। सजदे की हालत जो होती है वो मुकम्मल स्पुर्दगी की होती है। उनको तसव्वुर और एहसास के साथ पढ़िए। वो 4 बातें क्या हैं? नंबर 1, उसकी पाकी, उसकी रबूबियत, अपनायत से कि वो मेरा रब है, और उसकी बुलंदी। पहले 3 का जिक्र सुभान रब्बी अल अजीम में आ चुका है। हमने अभी सुभान रब्बी अल अजीम की जब पढ़ी, तर्जमा पढ़ा था, तो उसमें ये उसकी पाकी, उसकी रुबूबियत और उस अपनायत, ये हमने पढ़ लिया। तो चौथा क्या था? उसकी बुलंदी। अल आला यानी सबसे ऊंचा, सबसे बुलंद। मैं नीचा अपना सर जमीन पे रखे हुए हूँ और अल्लाह अर्श पर सबसे ऊपर है। उस वक्त हमारा ये एहसास होना चाहिए जब हम सजदे में होते हैं कि मेरा सर जो है वो बिल्कुल नीचे जमीन पे है और अल्लाह कहाँ है? अर्श पे सबसे ऊपर। इतना बुलंद, इतना ऊंचा है, ये बंदे की सच्ची पोजीशन है। बंदा अल्लाह के सबसे करीब सजदे में होता है। कहा जाता है ना कि बंदा अल्लाह के करीब सबसे करीब सजदे में होता है। तो ये हालत होती है उस वक्त, ये हमारे तसव्वुर और एहसास हमारे अंदर होना चाहिए कि मैं अपना जो सर है सजदे में जमीन पे रखे हुए हूँ और अल्लाह सबसे बुलंद है, अर्श पे सबसे ऊंचा है। दुनिया में कामयाब और खुशगवार जिंदगी गुजारना है तो मुस्बत रवैया, पॉजिटिव एटीट्यूड और शुक्र, ग्रेटिट्यूड। तो ऊपर शुक्र का जिक्र आ चुका है कि शुक्र का हमारा क्या लेवल होना चाहिए बींग अ मुस्लिम। और हमारी नमाज का क्याम अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू होता है और ख़त्म वालकल हम्द पर होता है। लेकिन शुरू भी हमने किया ना कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं। जब क्याम शुरू किया, तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं, और जब क्याम का इख्तिताम होगा सजदे में जाने से पहले, तो भी वालकल हम्द और तेरे ही लिए तमाम तारीफ़ें हैं।
इससे अल्लाह की तारीफ और शुक्र का अंदाजा हो रहा है कि हमें किस हद तक अल्लाह की तारीफ और शुक्र करना चाहिए। अब आइए तस्बीह पर। हम रोजाना 200 से ज्यादा बार तस्बीह पढ़ते हैं। नमाज में सबसे ज्यादा जिक्र यही है, सुभान रब्बी, पाक है मेरा रब। अल्लाह ताला जो भी बात हमसे दोहराना चाहता है, सुभान रब्बी में कई पहलू से हमारी तरबियत है। तस्बीह करते वक्त हम झुक जाते हैं और जमीन पर अपना सर रख कर पढ़ते हैं, और वो भी रब्बी कहकर अपनाइत से। जब हम ये तस्बीह पढ़ते हैं, सुभान रब्बी अल आला, तो उस वक्त हमारा सर सजदे में होता है और हम अपनाइत से कह रहे होते हैं रब्बी, यानी उस वक्त हम कितना करीब अपने रब को महसूस कर रहे होते हैं कि मेरा रब, इतना हम इतनी अपनाइत से हम कह रहे होते हैं ना रब्बी। हम कहते हैं ना अपने बेटे को कहना मेरा बेटा, मेरी बेटी, तो एक लगाव भी उससे झलक रहा होता है औलाद के साथ। तो इसी तरह रब भी मेरा रब, गोया हम कह रहे हों कि ए अल्लाह, मैं बिल्कुल राजी हूं और मुझे कोई शिकायत नहीं है। ठीक है, उस वक्त हमारा क्या एहसास होना चाहिए कि ए अल्लाह, मैं जैसे भी मेरे हालात हैं, जैसी भी आजमाइश है, मैं हर तरह से राजी हूं और मुझे कोई शिकायत नहीं है। अगर हम इन एहसास के साथ तस्बीह करेंगे तो ऐसा मस्बत रवैया, पॉजिटिव एटीट्यूड पैदा होगा जिसका 1% भी मौजूदा दौर के कामयाबी के माहरीन यानी सक्सेस ट्रेनर नहीं दे सकते। हम जितनी भी सक्सेस ट्रेनिंग्स अटेंड कर लें, आजकल बड़ा चला हुआ है ना ट्रेंड, ट्रेनिंग, सक्सेस ट्रेनिंग, मुख्तलिफ टॉपिक्स पे कामयाबी के गुर बताते हैं ट्रेनर्स, ये करो वो करो। लेकिन अगर हम इन एहसास के साथ तस्बीह करेंगे मुस्बत रवैये के साथ, तो हमें उन माहरीन के जो गुर है ना कामयाबी के, उनकी ज़रूरत नहीं है। याद रखिए कि अल्लाह जो भी करता है इसमें ऐब नहीं है। अब हम ये बार बार इकरार कर रहे हैं कि सुबहाना पाक है रब्बी मेरा रब, तो हम कह रहे हैं कि मेरा रब पाक है, यानी वो हर तरह से पाक है, उसमें कोई कमी कोताही, कोई गलत बात नहीं है। तो हालात हमारा इम्तिहान होते हैं और कुछ हमारी अपनी गलतियों का नतीजा। थोड़े से तंगी वाले हालात आए तो हम जैसे लोग शुरू हो जाते हैं कि अल्लाह ने हमारे साथ ऐसे कर दिया, पता नहीं हमारे साथ ही क्यों ऐसा किया। तो वो हमारी अपनी कुछ गलतियों का नतीजा भी होते हैं अगर हमारे हालात कुछ ऐसे हो जाए तो, लेकिन हमें हर हाल में अल्लाह की तारीफ़ और शुक्र करना है। हर हाल में उन पर सब्र करते हुए जितना हो सके अच्छा काम करने की कोशिश कीजिए, इसी में कामयाबी का राज है। अलिम सिखाइए, इसको तसव्वुर एहसास के साथ पढ़िए और फिर आगे इसको सिखाइए, अपनी ज़िंदगी में लाइए। दुआ, क्या दुआ? ए अल्लाह मेरी मदद ताकि मैं अपनी ज़िंदगी की हर आजमाइश को कबूल कर सकूँ और तुझसे कोई शिकायत ना हो, मैं कभी ये ना कहूँ कि मेरे साथ ये क्यों हुआ। तो अल्लाह से हमने सिक्के दिल से दुआ करनी है कि अल्लाह हमें ऐसा बना दे कि हम हर आजमाइश को कबूल कर लें, उसे कोई शिकायत शिकवा ना करें। एहतसाब, अपना एहतसाब करना है कि मैं कितनी दफ़ा शिकायत करता हूँ अपने रंग, खदोखाल, नाक, चेहरे, जिस्म, खानदान, मौसम, मौजूदा हालात वगैरह, कितना हम शिकवा शिकायत करते रहते हैं। महंगाई हो गई है, हुकूमत ने महंगाई कर दी है, ठीक है, मौसम बहुत ठंडा हो गया है, उफ ये हो गया है, उफ वो हो गया है, तो कितनी दफ़ा ये सब शिकायतें ही है ना। तो हमने इससे बचना है, हमने हर हाल में पॉजिटिव रहना है और अल्लाह का शुक्र और अल्लाह की तारीफ़ करनी है। जब हमें हर हाल में अल्लाह की शुक्र और तारीफ़ करने की आदत पड़ जाएगी, तो हम खुद ब खुद ही फिर मुस्बत रवैया अपना लेंगे। अपनी ज़िंदगी में लाइए प्लान, इस सच्चाई पे ध्यान दें कि अल्लाह जो भी करता है मुकम्मल करता है। हालात हमारा इम्तिहान होते हैं और कुछ इंसानी गलतियों का नतीजा। हमारे जो भी हालात हमारे लिए आते हैं, अच्छे या बुरे, वो हमारा इम्तिहान होते हैं और कुछ वो हमारी अपनी ही गलतियों का नतीजा भी होते हैं। इसकी तबलीग कीजिए, इस पैगाम को फैलाएं और लोगों को बताएं कि हमेशा अल्लाह से दुआ करते रहें और उसका शुक्र अदा करते रहें। अब हम लेते हैं ब्रेक, फिर हम पढ़ेंगे ग्रामर।
जी ग्रामर में आज हम लफ्ज की किस्में और हरूफे जर पढ़ेंगे। इला मा इंदा, जैसा कि हम ग्रामर सीख रहे हैं टीपीआई के साथ। टीपीआई क्या है? आप सब ने इशारे करने मेरे साथ, ठीक है? जी टीपीआई क्या है सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए और दिल से कीजिए। यह है टीपीआई। ये हम रोज एक दफा रिवीजन कर लेते हैं। इसके अल्फाज कलमे की तीन किस्में हैं, इसम, फेल और हर्फ। इसम हमने पढ़ लिया, हर्फ अभी हम पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम फेल की तरफ आएंगे। इसम क्या है? किसी ना का नाम, किताब, जैसे कि मक्का, जगह का नाम या सिफ्त, किसी की खूबी, मुस्लिम, मोमिन। और इसकी पहचान क्या है इसम की? अलिफ लाम से शुरू हो रहा होगा या आखिर में दो पेश, दो जेर, दो जबर होंगी। और अगर जमा होगा तो आखिर में वाव नून या नून और मुअन्नस के लिए अलिफ ता का इजाफा होगा। इसी तरह इस्म क्या है? जो इस्मों को और फेलों को मिलाते हैं, ठीक है? जैसे बी, ली, मिन, फी, इन्ना। गहरी सांस लीजिए और पढ़िए रब्बी जिदनी इल्मा। आज का सबक क्या है? आज का सबक है इला मा आ इंदा, ठीक है? और इनको हमने जमायर के साथ मिलाना है, हु हुम का या कुम और ना के साथ, तो एक नया लफ्ज बन जाएगा। पहले हम देखते हैं इला। इला का हम मिसाल ले लेते हैं, जब भी कोई परेशानी की बात हो, कुछ हो, परेशानी और गम की बात, तो हम क्या पढ़ते हैं? इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैही राजून, बेशक हम अल्लाह ही के लिए हैं और हमें उसी की तरफ लौटना है, ठीक है ना? इलैही उसकी तरफ, इला इला तरफ और हु ही, हु या ही ये जमाइर में से है, उसकी तरफ। तो इलाही ही जो है कुरान में 52 दफा आया है। इला का मतलब क्या हो गया? तरफ। दूसरा है हमारा साथ, ठीक है? मा आ, दूसरा हर्फ क्या है? मा आ यानी साथ। इन अल्लाह, बेशक अल्लाह, मा साबिरीन, साबिरीन के साथ है, सबर करने वालों के साथ है। और ये मा आ जो लफ्ज है कुरान में 163 दफा आया है, जमायर के साथ जोड़ा है। मा आहू, मा अहुम, मा का, माई, माकुम, माना। फिर क्या है? इंदा, इंदा, इंदा क्या? पास। इसकी मिसाल हम क्या लेंगे? मिसालों से जरा जहन में ज्यादा देर तक रहता है मायना। इंदा कम रियालन, कम कितने रियालन, रियाल है इंदा का, तेरे पास या आपके पास। तो ये 21 दफा ये आया है इंदा का। इसको हम जमाइर के साथ लगाएंगे तो क्या होगा? इंदा हु, इंदा होम, इंदा का, इंदी, इंदा को, इंदाना। ये हम थोड़ा सा एको कर लेते हैं।
मुकालमे की तरह है, हल इंदहू क्या, जैसे हमने पढ़ा हल जो है वो सवालिया लफ्ज है, हल क्या इंदहू उसके पास कलम, कलम है, नाम इंदहू कलम, जी हाँ उसके पास कलम है, हल इंदहुम कलम क्या उन सबके पास कलम है, नाम इंदहुम जी हाँ उन सबके पास कलम है। हल इंदा का कलम, कलम क्या, हल इंदा का कलम क्या तेरे पास कलम है, नाम इंदी कलम जी हाँ मेरे पास कलम है, हल इंदा कुम क्या तुम सबके पास कलम है, नाम जब जवाब देंगे तो नाम इंदना कलम। अब ये इला माआ और इंदा इनको जमाइर के साथ जब लगाया तो एक नया लफ्ज बन गया इलाई ही इलाई हिम। चलिए कौन पढ़ेगा, हैंड रेस करें। फरा ने हैंड रेस किया, जी फरा आप अपना माइक ओपन करें। जी फरा आप अपना माइक ओपन करें। पहला वाला टेबल आप पढ़े फरा, इला इला वाला जो है ना वो टेबल आप पढ़े, इशारे आपने करने हैं साथ साथ, और बाकी सब भी जो है ना वो सब में इशारे करने हैं। वीडियोस तो आपकी ऑन नहीं है लेकिन आपने जैसे जैसे वो पढ़ती जाएंगी आप लोगों ने इशारे करने हैं। ठीक है चलें शुरू करें फरा। इलाई ही उसकी तरफ, इलाई हिम उन सबकी तरफ, इलाई का आपकी तरफ, इलैया मेरी तरफ, इलाई कुम आप सबकी तरफ, इलाई ना हमारी तरफ। जी ठीक गुड। क्या हुआ है नुजरत आप अपना माइक ओपन करें। माँ हूँ उसके साथ, माँ हूँ उन सबके साथ, माँ का आपके साथ, मई मेरे साथ, माँ कुम आप सबके साथ, माँ आना हम सबके साथ। गुड। अब एमन, एमन आप अपना माइक ओपन करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंदा हूँ इसके पास, इंदा हूँ इन सबके पास, इंदा का आपके पास, इंदी मेरे पास, इंदा कुम आप सबके पास, इंदा ना हमारे पास। गुड जी ठीक है। अच्छा अब जो है तकरीबन 1090 दफा जो है ये आए हैं कुरान में, जैसे हमने इसकी मिसालें देखी थी इला तरफ, माँ साथ, इंदा पास। तो हमने ना इन आयतों से या इनसे हमने इसको याद रखना है मिसाल से, जैसे इला इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्नल्लाह मा साबिरीन, कम रियालन इंदा का। ये टेबल कौन सा वाला है, हु हुम का या कुम ना, इसके साथ को हमने लगाया और उसका हम उसको हमने पढ़ा। अच्छा अब शाइस्ता शाहीन आपका हैंड रेस था, आप अपना माइक ओपन करें। शाइस्ता शाहीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अच्छा शाइस्ता ये सामने ना एक लफ्ज लिखा हुआ है इलाई ही, जी क्या मतलब है इसका। इलेही उसकी तरफ। जी ठीक। अगर मैं कहूं कि आपने कहना है आपकी तरफ तो आप क्या कहेंगी, इलेही का इलेही का, और अगर मैं कहूं हमारी तरफ इलेही ना गुड, और अगर मैं कहूं मेरी तरफ इलेही। इलैया। अच्छा या के ऊपर जबर आएगा इलाइया। हाँ वो क्योंकि देखे ना इला इला जो लग, अलग से हम अगर इला हो ना तो जैसे ये है इला तो इसमें छोटी ये आ रही है ना एंड में, तो जब इसके साथ हम जमाइर वाली ये भी जोड़ेंगे ना मेरा या मेरी वाली, तो फिर इलैया पढ़ेंगे, इस पे शद आ जाएगी, दो या हो जाएंगी ना।
एक तो इला की है और एक जमायर की है, तो फिर इसको इलैया पढ़ेंगे मेरी तरफ, ठीक है? अच्छा, आप सब की तरफ, आप सब की तरफ, आपने कहा था ना आपकी तरफ, तो इलाई का हो गया, एक एक था इलाई का, इलाई को जी, वेरी गुड, इलाई को, ठीक है। और किसका हैंड रेज है जी, और कौन करेगा? दीबा आप अपना माइक ओपन करें। अरीबा जी, अच्छा, सेकंड जो वर्ड लिखा हुआ है अरीबा वो है मा आना, ठीक है जी। इसका क्या मतलब है मा आना? हम सबके साथ, अगर मैं कहूँ कि आपके साथ मा का, और हमारे साथ मा आना, उनके साथ मा आहुम गुड जी। अभी किसने हैंड रेज किया था? और खतीजा आप अपना माइक ओपन करें, लास्ट वाला आप पढ़ें। खतीजा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। इन दा का मेरे पास जी, तेरे पास। अगर मैं कहूँ कि आप कहें उसके पास, इन दा हूं, इन द नहीं नहीं उसके पास, एक को कह रही हूँ इन दा हूं, उसके पास। हाँ, इन दा हूं। अच्छा नहीं, आपको आपको मेरे वीडियो नजर आ रही है जी? अच्छा, मैं इशारा करूंगी, आपने ना मेरी उंगली को देखना है और उसको फिर आपने बताना है, फिर आपने बोलना है, ठीक है? सिर्फ मैं इशारा करती हूँ, आपने उसको इशारे को देख के आपने बोलना है, ठीक है? तो ये देखिए आप, इन दाहू गुड। अच्छा, और ये देखें, ये आप देख लें पहले जी, इन दी नहीं, मैंने चार उंगलियां की हुई अपनी तरफ। हाँ, इन दा ना वेरी गुड। और इन दा कुम ठीक है ना जी। तो इशारे इसमें देखेंगे आप, इशारे जब भी आप ये जमायर और ये जमायर वाले अल्फाज पढ़ें तो आप इशारे जरूर किया करें। अच्छा, ये कौन पढ़ेगा? हलिल्लाहु माआहु, हलिल्लाहु क्या अल्लाह माआहु उसके साथ है, इसकी प्रैक्टिस करते हैं थोड़े जी। फरा आप अपना माइक ओपन करें। फरा जी, ये सवाल है, मैं सवाल बोलूंगी आपने जवाब देना है, ठीक है जी? अच्छा, हलिल्लाहु माआहु, नाम अल्लाहु माहु, गुड, हलिल्लाहु माहुम, नाम अल्लाहु माहु, हलिल्लाहु मा का, नाम अल्लाहु माइया, गुड, हलिल्लाहु, नहीं मैंने इशारा गलत किया, दोबारा करते हैं हम, हलिल्लाहु मा का, नाम अल्लाहु माइया, और हलिल्लाहु माकुम, नाम अल्लाहु माआना। मेरे ख्याल आपको स्क्रीन नजर नहीं आ रही होगी। नहीं स्क्रीन नहीं आ रही जी, मेरा लैपटॉप बंद हो गया, मैं ना एक मिनट